हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अच्छा, ठीक है। दोस्तों, सुबह सुबह जैसे मेरे आंख खुला कि मेरे सारे घर वाले बोल रहे थे कि पड़ोसी के घर में से सांप निकला है, तो मैं ये सुन के फटाक से उठा और मुंह धो के सांप को देखने के लिए चला गया। नहीं मानता। गाइस, जब मैं पहुंच के देखा तो सच में एक बहुत बड़ा सांप था। दोस्तों, सांप को देखते ही मेरे शरीर में से अलग सी झनझनाहट फीलिंग हुई। और गाइस, आप सब कमेंट करके ये बताइए कि कहीं भी आप लोग सांप को देखते ही आप सभी को कैसा महसूस होता है। दोस्तों, ये जो सांप आप देख रहे हो, ये सांप को हिंदी में नाग सांप बोलते हैं, लेकिन हर नाग सांप का नाम अलग अलग रहता है। जैसे कि ये उड़िया भाषा में इसको तेंतुली नाग बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमन कोबरा कहते हैं। ये एक कोबरा प्रजाति के सांप है और ये सांप ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं। गाइस, आप लोग भी ये सांप से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि ये सांप के काटने से 2 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है, तो जरा बच के रहना। क्या गाइस, थोड़ी देर बाद मैंने उनके घर वालों से पूछा तो सांप घर के अंदर आया कैसे और आके कहाँ था, तो उन्होंने कहा कि सांप घर के अंदर कैसे आया वो तो पता नहीं, लेकिन सुबह जैसे हम मुर्गी को ढक के रखे थे तो उस ढक्कन को जैसे खुला वैसे ही सांप ढक्कन के नजदीक था, तो हम तुरंत देख लिया, नहीं तो मुर्गी को और हमें दोनों को काट लेता। भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ बोल के घर वालों ने बोले, और गांव के स्नेक कैचर यानी के सांप पकड़ने वाला को हम लेके आए बोले। तो फिर से मैं उनको बोला, शायद मुर्गी की अंडा खाने के लिए आया होगा, नहीं तो मुर्गी खाने के लिए आया होगा। दोस्तों, आप सब देख रहे हो ना कैसे भयानक आवाज कर रहा है, शायद रात से कुछ नहीं खाया है ये सांप। बात तो सही है। गाइस, एक चीज तो पक्की बात है, अगर घर पे मुर्गी या अन्य जानवर या पक्षियां रखेंगे तो सांप कहीं से भी घर के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मुर्गी या अन्य जानवर या पक्षियों को सेपरेट रूम बना के रखें और उनका भी जान बचाइए और खुद का भी जान बचाइए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हाँ, एक बात दोस्तों आप सभी को बताना भूल गया। क्या? जैसे इनके घर में सांप घुसा था तो घर वाले स्नेक कैचर यानी के सांप पकड़ने वाला को बुला के सांप को पकड़वाया। वैसे आप सभी भी अगर कहीं भी सांप देखेंगे तो स्नेक कैचर को जरूर बुलाइएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक जगह पे सांप को देखते ही मार डालते हैं। गाइस, वैसा कभी ना करें, आप स्नेक कैचर को बुला के सांप को पकड़वा के कहीं जंगल में छोड़ के आ जाएं। दोस्तों, और एक खास बात तो भूल गया, जो स्नेक कैचर थे वो हमारे गाँव के हैं, सांप को लकड़ी की मदद से पकड़ लेते हैं पूरे अनोखे अंदाज से। अच्छा, लेकिन दोस्तों ऐसे पकड़ने से अच्छा है स्नेक कैचर के पास स्नेक कैचर स्टिक होना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों आज से मैं वादा करता हूँ, अगर मेरे पास यूट्यूब में से पैसे आएंगे तो जरूरतमंद इंसान के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूँगा, और ये तब सफल होगा जब आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो गाइस, बिना भेदभाव के सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हैप्पी टू हेल्प जरूर लिखें। गाइस, इसी सांप को देखने के लिए आसपास के लोगों के तो भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी, लेकिन दोस्तों क्या करें, गाँव में इतना क्रेज है कि किसी भी चीज कोई भी चीज अगर आएगा नया चीज हो तो गांव में इकट्ठा होना तो तय है, और सबको तो देखना पसंद है, वो डरावनी चीज़ हो या जो भी हो। तो अभी तो ये सांप आया है तो सांप को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को नहीं दिखाया। अभी ये जो सांप
पकड़ने वाला अंकल अभी इसको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको तो छोड़ के आना है ना, यहीं आसपास में तो रखेंगे तो किसी के घर फिर भी जा सकता है, वो मुर्गी खाने या अंडा खाने या जो कुछ भी हो वैसे ही किसी के घर चला जाएगा तो फिर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि इसका काटने से तो इंसान का मौत होना तय है। इसीलिए दोस्तों पता नहीं दोस्तों अंकल जी क्यों अभी खड़े होके सांप को नीचे रख दिए, शायद कोई सांप देखने के लिए चिल्लाया इसलिए रख दिए। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे सांप यहीं पे क्या कर रहा है बोल के, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि सांप अभी क्या कर रहा है। उस टाइम तो बहुत तेज से वो फन दिखा रहा था, अभी भी दिखा रहा है लेकिन थोड़ा डाउन है। दोस्तों ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि अंकल लकड़ी की मदद से वो सांप को पकड़े पूरा तो नहीं पकड़े लेकिन लकड़ी की मदद से तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो पहले से वो जब छोटे थे उस टाइम से वो ऐसे ही पकड़ते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो जैसे भी हो उनको कुछ ट्रेनिंग मिला है उसी टाइम के ट्रेनर से। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये सजेशन देता हूँ कि आप लोग भी अगर सांप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ आप ये 1.5-2 मीटर का जो स्नैक कैचर स्टिक होता है ना, वो सांप पकड़ने वाला छड़ी, वो छड़ी आप ज़रूर रखिएगा। और हाँ दोस्तों अपने जो क्या बोलते हैं खेती बाड़ी या घर के आंगन में जो भी हो, अगर घास वगैरह है, घास फूस जो भी है, झाड़ी वगैरह है, आप काट के रखिए, और आपके पास फिनाइल नहीं तो कार्बोलिक एसिड होना ज़रूरी है, इस ये आप रखेंगे और हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार घर के आसपास ज़रूर छिड़किएगा, क्योंकि वो आस फिनाइल नहीं तो कार्बोलिक एसिड छिड़केंगे तो सांप आसपास भी नहीं भटकेगा और नहीं भी आएगा, क्योंकि उस फिनाइल और कार्बोलिक एसिड की गंध से सांप उधर पास नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम मतलब सांप से तो दूर रहिए, क्योंकि सब तो पॉइजन वाला ही होते हैं, अगर काट देंगे तो फिर नुकसान आप ही को ही झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा होशियारी से रहिएगा, और क्या ही बताऊँ दोस्तों अभी समय हो गया है, अंकल जी जाएंगे अभी छोड़ने के लिए, क्योंकि इसको यहाँ रखने से सबको ही परेशानी है, तो अंकल जी चले जंगल की तरफ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।